एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, बारीक कटा हुआ ऑनियन, धनिया पत्ते, मुझे पसंद है इसलिए मैं पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ, 1 टेस्पून स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ आलू एंड भिगा हुआ पोहा। ये सारे इंग्रेडिएंट हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। पोहा डालते टाइम आप थोड़ा उसको स्मैश कीजिए डालने से पहले, उसके बाद इसमें डाल दीजिए, फिर हम मिक्स कर लेंगे, एक आटा सा गूंद लेंगे उसका। इस तरीके से आप इसको गूंद लीजिए, इस तरीके का बैटर बनेगा। मैं आपको एक टिक्की बना के दिखाती हूँ। पहले ऐसे ऑयल ग्रीसिंग कर लीजिए आपके हाथ को, ताकि वो टिक्की आपके हाथ को चिपके ना। इसको ऐसे शेप कर सकते हैं हम राउंड, आपको चाहिए आप अदर शेप भी दे सकते हैं इसको, जो आपको अच्छा लगे, हार्ट शेप, स्क्वायर। मैंने टिक्कियाँ सारी रेडी किया है, इस तरीके से दिखेगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारी टिकिया। इस तरीके से आप पैन को पहले ऑयल ग्रेस कर लीजिए। नॉन स्टिक है तो इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं लगेगा, कम से कम ऑयल में बन सकती है। इसको ऐसे धीमी आंच पे सेकिए और ऊपर से भी ऑयल थोड़ा ग्रीस करिए। आपको ऑयल नहीं अच्छा लगता, आप इसको घी या बटर भी लगा सकते हैं। दो मिनट के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी टिकिया। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया उस पर। इसको 5 मिनट सेकने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, फिर हम इसको सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसका कलर देखिए आप, ऐसा गोल्डन आने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये।